आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। दिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर हंगलू ने दिया इस्तीफा। मायावती का बयान, कोटा में मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिली प्रियंका तो यूपी पीड़ितों से मिलना है स्वार्थ। कांग्रेस शासित राजस्थान के कोटा में मासूम बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में करीब 200 किसान संगठनों ने किया 8 जनवरी को बंद का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी किसानों से करेंगे मुलाकात। नागरिकता कानून पर बढ़ते बवाल के बीच आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। दिल्ली में चालान काटने से नाराज युवक ने बाइक में लगाई आग। सीए के खिलाफ जामिया में प्रदर्शन जारी, छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। कोहरे का असर, कम दृश्यता के कारण देर से चल रही 21 ट्रेनें। झारखंड में सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड, अब तक 15 लोगों की मौत। वडोदरा में हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति से होगी नुकसान की भरपाई। रामदास आठवले का बयान, महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पाक ने तोड़ा सीज फायर, पुंछ जिले की कृष्णा घाटी में की फायरिंग। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल पर निशाना, कहा नहीं पता सीएए और जीएसटी में अंतर। चंद्रयान 3 को हरी झंडी, थूथुकुड़ी में बनेगा नया स्पेस फोर्ट, इसरो चीफ सिवन ने दी जानकारी। जेएनयू में नए साल से हॉस्टल का नया मैनुअल लागू, छात्रों ने जताया था विरोध। महाराष्ट्र में मंत्रालयों को लेकर कांग्रेस एनसीपी में खींचतान, नहीं बटे विभाग। कर्नाटक के बेलगाम में राज्य का अलग झंडा फहराने की कोशिश, पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार। पीएमओ में कर्मचारियों पर कैची, 15% अफसरों की कटौती। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में आतंकी मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद। नागरिकता कानून पर आज से बीजेपी का जन जागरण अभियान। वडोदरा में नड्डा थामेंगे कमान। कर्नाटक में आज तुमाकुर में श्री सिद्ध गंगा मठ जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज से कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में सीएए के समर्थन में लाया जाएगा प्रस्ताव, 10 जनवरी को बुलाया विशेष सत्र। दिल्ली में स्मृति ईरानी की अगुवाई में बीजेपी आज मेरी दिल्ली मेरा सुझाव अभियान करेगी शुरू। वाराणसी में नवजात चंपक के माता पिता समेत 56 प्रदर्शनकारियों की रिहाई होगी आज। वडोदरा में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएए पर आज शुरू करेंगे जन जागरण अभियान। सीएए के खिलाफ जामिया में पिछले 3 हफ्तों से प्रदर्शन जारी। जनवरी में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों के हिसाब से करें प्लानिंग। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पुलिस ने काटा चालान तो नाराज युवक ने फूंक दी बाइक, पहुंचा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी तो बाजवा के लिए इमरान ने बुलाया संसद सत्र। पश्चिम बंगाल में वर्धमान में बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों की ली जान। पटना में ठंड की वजह से 5 जनवरी तक कक्षा 10 के सभी स्कूल रहेंगे बंद। कोहरे के कारण आपस में टकराई 1 दर्जन गाड़ियां, 18 से अधिक लोग हुए घायल। दिल्ली में फैक्ट्री में आग ब्लास्ट, कई लोगों के साथ दमकल कर्मी भी फंसे, रेस्क्यू जारी। दिल्ली में प्रशासन की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं लोग। हाईटेक होगा दिल्ली का चुनाव, QR कोड से वोटरों की पहचान। बिग बॉस सीजन 13 में 2020 के पहले दिन नॉमिनेट हुए 6 घरवाले, आखिर किसका सफर होगा खत्म। कोटा में बच्चों की मौत पर प्रियंका पर मायावती का निशाना, पूछा आखिर चुप क्यों। खुला मोर्चा काम नहीं, गोल खेलते बीता ट्रंप का न्यू ईयर। नागपुर में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की आज नींव रखेंगे अमित शाह। पीएम के तुमकुर पहुंचने से पहले हिरासत में लिए गए किसान, प्रदर्शन की थी योजना। एक पाकिस्तानी समेत लश्कर के 2 आतंकियों को हत्या के मामले में उम्र कैद। महाराष्ट्र में आज हो सकता है विभागों का बंटवारा, मलाईदार मंत्रालय के लिए मारामारी। गोकुलधाम सोसाइटी के लिए स्पेशल होगी साल 2020 की शुरुआत, अजय देवगन काजोल लेंगे एंट्री। पति रणवीर सिंह नहीं, इनके साथ अपना 34वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी दीपिका पादुकोण। बिग बॉस में ड्यूटी को लेकर हुई लड़ाई, विशाल ने किया काम करने से इनकार। नाती पोती संग अमिताभ ने मनाया नया साल, शेयर की फैमिली फोटो। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।